गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमने 5 प्रोसेस देखे थे, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखिए, इस तरह का प्रोसेस जो बहुत ही धीमी गति से होता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है? यानी कि इस तरह का प्रोसेस जो बहुत ही धीमी गति से होता हो और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स में होता है और प्रत्येक स्टेप में या फिर कह सकते हैं प्रत्येक मूवमेंट पर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये आइडियल प्रोसेस है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है उसके बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही धीमी गति से और रिवर्सिबली मैनर से संपन्न होता है, ठीक है? जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वह बहुत ही फास्ट होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी इस तरह का प्रोसेस जो बहुत ही तेजी से होता हो और एक ही डायरेक्शन में होता हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस है, यानी जितने भी नेचर के अंदर प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और स्पीडली होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम देखें तो जो ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि प्रोसेस के दौरान प्रोसेस जो होता है वो स्पीडली होता है, यानी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो प्रोसेस जो होगा वो स्पीडली होगा और सिंगल स्टेप में होगा, या फिर कह सकते हैं एक लार्ज स्टेप्स में होगा, तो इस तरह से वो क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है? यानी कि मैक्सिमम इसलिए होता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, उसके द्वारा जो पाथ है वो लंबा होता है उसका, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के कंपेयर में काफी कम होता है, ठीक है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये क्या है? इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होते हैं। एक तरह से हम माने कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक आइडियल प्रोसेस है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कहें तो कहेंगे ये क्या है? स्लो प्रोसेस, एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। इस तरह का प्रोसेस जो बहुत ही धीमी गति से और बायडायरेक्शनल होता है, फास्ट प्रोसेस एंड यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम
एट एनी मोमेंट और स्टे प्रत्येक क्षण पर. जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रत्येक क्षण प्रत्येक मोमेंट पर या प्रत्येक स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं. लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है. रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो मल्टी स्टेप में होता है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में होता है. जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, लास्ट स्टेप में होता है या फिर कह सकते हैं वन स्टेप प्रोसेस होता है. जो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है, वर्क डन मैक्सिमम. जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो लिमिटेड वर्क होता है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस की तुलना में काफी कम वर्क होता है. ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं. हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे जैसे ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है और उस गैस का प्रेशर है पी, और इस सिलेंडर पर हमने एक वेटलेस और फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा दिया. मान लीजिए इस पिस्टन पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, वो फर्स्ट स्टेट में गैस के प्रेशर के इक्वल है. यानी कि पिस्टन पर लगने वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो और गैस का प्रेशर जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है. तो इस कंडीशन में पिस्टन ना तो ऊपर की ओर खिसकेगा ना ही पिस्टन नीचे की ओर खिसकेगा. तो हम कहेंगे सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है. अगर हमने गैस के प्रेशर को, यानी ये जो गैस का प्रेशर पी है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए डीपी इंक्रीज कर दिया मैंने, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा यानी जो पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर है पी एक्सटर्नल जो होगा वो इस गैस के प्रेशर की तुलना में डीपी कम हो जाएगा. ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो गैस के प्रेशर की कंपेयर में डीपी कम हो जाएगा. तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, पी माइनस डीपी. अब गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा है तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो गैस का एक्सपेंशन होगा, लेकिन गैस का एक्सपेंशन जो होगा वो बहुत ही धीमी गति से होगा, इस तरह से बहुत ही धीमी गति से होगा और बाय डायरेक्शनल होगा. तो इसे ही क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, यानी इसमें पिस्टन इस तरह से आगे मूव कर रहा है, वापिस जा रहा है, आ रहा है, जा इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता हुआ ऊपर खिसक रहा है. यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, थोड़ा बैकवर्ड आया, फिर फॉरवर्ड में गया, फिर बैकवर्ड आया, इस तरह से आगे की तरफ मूव करता है. जबकि अगर अगर गैस के प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर की कंपेयर में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, ठीक है, यानी गैस का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर की कंपेयर में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गैस जो होगा वो गैस जो होगी वो तेजी से एक्सपेंड होगी और पिस्टन फास्टली क्या होगा, ऊपर की ओर खिसकेगा. इस तरह से पिस्टन जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा. तो इसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स था और जो अपोजिंग फोर्स था उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से स्पीडली और अचानक से स्पीडली क्या हुआ, गैस एक्सपेंड हुई, एक ही स्टेट में प्रोसेस हुआ. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है.
अब बात करते हैं वर्क और हीट की। वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट। देखिए वर्क क्या होता है, वर्क का मतलब एक तरह से देखें तो एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि हीट के लिए क्या बोलेंगे, हीट के लिए कहेंगे रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी वर्क क्या है, एनर्जी की प्रॉपर फॉर्म है, जबकि हीट क्या है, एनर्जी की एक रैंडम फॉर्म है। हीट के लिए एज ए डेफिनेशन हम बोले तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो हीट की फॉर्म में होता है, ठीक है। जबकि वर्क क्या है, वर्क किसी भी फोर्स के अगेंस्ट होता है। वर्क और हीट जो होते हैं, वर्क और हीट दोनों ही क्या है, एक तरह से पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, पाथ फंक्शन का मतलब है कि इस तरह के फंक्शन जो सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट की बजाय इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में किस प्रोसेस के थ्रू, किस पाथ के थ्रू पहुंचा। यानी कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कन्वर्ट हुआ तो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, किस पाथ के थ्रू हुआ, इस बात पर डिपेंड करते हैं। तो वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, यानी सिस्टम जो है उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। तो इनका जो डिफरेंशियल है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता, यानी इनका डिफरेंशियल क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और इसके अलावा वर्क और हीट का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन, देखें साइक्लिक इंटीग्रेशन का मान कभी भी जीरो नहीं आता है। वर्क और हीट जो है वो दोनों ही एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, यानी कि वर्क और हीट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, यानी एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वर्क को नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है यानी कंप्रेशन वर्क हो रहा है तो जो वर्क होगा उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। यानी नॉर्मली हम वर्क क्या लिखते हैं, dW इज इक्वल टू pdV लिखते हैं, ठीक है। अगर ये एक्सपेंशन वर्क है तो हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू माइनस pdV, ठीक है, यानी माइनस साइन यूज करेंगे। अगर कंप्रेशन वर्क है तो हम लिखेंगे pdV। इसी तरह से हीट जो होती है उसके लिए भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यदि सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, प्रोसेस के दौरान अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करता है तो क्यू को पॉजिटिव मानेंगे, और अगर सिस्टम जो है वो प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग में हीट रिलीज कर रहा है तो क्यू को क्या मानेंगे, क्यू को नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हीट जो होती है उसकी यूनिट होती है जूल या किलो जूल। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर वर्क की, एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।